तो दोस्तों ये है चंद्रधारी संग्रहालय का मुख्य प्रशासनिक भवन, यहीं से लोग अंदर एंट्री करते हैं। चलिए हम आपको पूरे चंद्रधारी म्यूजियम का सैर कराते हैं। वैसे तो चंद्रधारी म्यूजियम के अंदर रखी गई कलाकृतियों का चित्रपट लेना मनाही है, लेकिन हम आपको सैर कराएंगे बाहर जो अद्भुत मूर्ति कला है उसका। ये देखिए, ये है महाराजा जनक की हल जोतती हुई मूर्ति। ऐसा कहा जाता है कि यहीं माता सीता का जन्म हुआ था। ये मूर्ति कला जो है ना, सो मिथिला के अद्भुत इतिहास को बखान करती है। तरह तरह की मूर्तियाँ यहाँ बनाई गई है, जो कि चंद्रधारी मिथिला म्यूजियम के ठीक पीछे साइड में बने पार्क में ये अद्भुत मूर्ति कला का प्रदर्शन किया गया है, जो कि मिथिला के महान गौरवमयी इतिहास को दिखाता है। दोस्तों, मिथिला का इतिहास शुरू से ही अद्भुत रहा है। यहाँ कई प्राचीन धरोहरें हैं जो कि मिथिला के गौरवमयी इतिहास को बखान करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ महान दार्शनिक गार्गी का मूर्ति बना हुआ है, जो कि मिथिला के लिए एक गौरवमयी है। चंद्रधारी म्यूजियम के ठीक पीछे में एक बड़ा सा तालाब है, जो कि दरभंगा शहर की घनी आबादी इसके चारों तरफ बसी हुई है और इस म्यूजियम की खूबसूरती को यह बढ़ा देता है। यहाँ का ठंडक हवा यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सुकून दिलाता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए आप यहाँ की मूर्ति कला, जो कि काफ़ी मनमोहक एवं देखने में अति सुंदर लगते हैं, और इस मूर्ति से मूर्ति कला मिथिला के इतिहास को वर्णन करता है। ये मूर्तियाँ जो है सो चंद्रधारी संग्रहालय के ठीक पीछे बने पार्क में अवस्थित है। ये महाराजा जनक की हल जोतती हुई मूर्तियां हैं, यहीं से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी।